नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट प्लान के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये जो प्लॉट है आपको दिख रहा है, इस प्लॉट की साइज़ है 20 बाई 50 स्क्वायर फीट। ठीक है, यानी कि 20 इसकी चौड़ाई है, 50 इसकी लंबाई है। अब 20 बाई 50 का ये प्लॉट हो गया है, ये फीट में है। ठीक है, तो इस प्लॉट में आपको मैं बताऊँगा कि जैसे अपन इंटर करते हैं तो आपको जो टंकी दिख रही है, यहाँ से ये पोर्च का एरिया है, और इधर जो आपको गड्ढा दिख रहा है ये लेटरिन का गड्ढा है। ठीक है, वॉशरूम का गड्ढा है। तो ये जो गड्ढा है यहाँ पर ऊपर वरांडा आ जाएगा। ठीक है, और जो टंकी के साइड में जो मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं यहाँ पे चढ़ाव आ जाएगा, और ये पोर्च रहेगा, और इधर से मेन गेट रहेगा टंकी के पास से, जो पानी की टंकी पड़ी है छोटी, वहाँ से मेन गेट रहेगा। ठीक है, वरांडा के बाद जो वरांडा रहेगा वो जो ये जो गड्ढे की स्पेस है, और इधर जो कॉलम तक स्पेस है थोड़ी सी, यहाँ तक ये वरांडा रहेगा। इसके आगे अपन जाएंगे तो ड्राइंग रूम रहेगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये ड्राइंग रूम है, और ये साइड में जो है ये पोर्च है, ये जो भैया काम कर रहे हैं मिस्त्री साहब। ठीक है, ये अपने इंटर जैसे ही करेंगे अपन तो वरांडा के बाद ड्राइंग रूम आ जाएगा। ड्राइंग रूम का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी अपने मेहमान लोग आते हैं उनके रुकने बैठने की जगह, ठीक है, वो कहलाती है ड्राइंग रूम, यानी कि अतिथि कक्ष अपन उसको मेनली बोलते हैं। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक तो ड्राइंग रूम का बता दें मैंने, इधर साइड में आपको पोर्च रहेगा और चढ़ाव आ जाएगा साइड से। ठीक है, अब अगर अपन इसी प्लॉट में आगे चलते हैं तो आपको किचन और लेट बाथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड पे लेट बाथ आ जाएगी, और बाकी जो रहेगा वो किचन और डाइनिंग हो जाएगा इस रूम में। ठीक है, लेट बाथ और किचन, लेट बा जो वाटर क्लोजेट रहेगी वो 4 बाई 3 फीट की रहेगी, और जो वॉश एरिया रहेगा, बाथरूम एरिया रहेगा, वो 4 बाई 5 का रहेगा। ठीक है, और उस साइड किचन और डाइनिंग आ जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो 2 बेडरूम आ जाएंगे। ठीक है, ये जो आपको जो दिख रहे हैं ये 2 बेडरूम आ जाएंगे। अब इस बेडरूम में क्या रहेगा दोस्तों, एक बेडरूम में तो टॉयलेट अटैच रहेगी और एक में नहीं रहेगी। जो राइट हैंड का बेडरूम दिख रहा है आपको उसमें टॉयलेट अटैच रहेगी, और लेफ्ट हैंड के में अटैच नहीं रहेगी। लेकिन ये दोनों रूम किचन और डाइनिंग से भी अटैच रहेंगे। ठीक है, उनसे जो जाने का रास्ता रहेगा वो डाइनिंग और किचन हॉल से ही रहेगा। अपन लास्ट में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो इस रूम की टॉयलेट रहेगी, और उधर ओपन वॉश एरिया रहेगा उस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में टॉयलेट रहेगी। तो ये जो था आपको मैंने बताया है 20 बाई 50 का प्लॉट एरिया था दोस्तों। प्लिंथ लेवल तक काम इसका हो गया है, आगे काम चलेगा। ठीक है, ये जो 2 है ये आखिरी में इन्होंने 7 बाई 4 का तो टॉयलेट दे रखी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन वॉश एरिया दे रखा है। अब ये दो जो 2 बेडरूम है, इन बेडरूम की साइज है दोस्तों, दोनों की साइज़ है 9 फीट 6 इंच क्रॉस 13 फीट 6 इंच। ठीक है, दोनों की साइज़ बराबर दी है दोनों बेडरूम की। ये जो 2 बेडरूम दिख रहा है दोनों की साइज़ बराबर है। उधर आगे जाते हैं तो आपको किचन और डाइनिंग हॉल मिलेगा, और एक साइड वाटर क्लोजेट और बाथरूम मिलेगा। ठीक है, लेट बाथ मिलेगा एक साइड। ठीक है, और एक जो मिस्त्री भाई साहब अपने काम कर रहे हैं वहाँ पे पोर्च रहेगा वो, और उसी की साइड में ड्राइंग रूम रहेगा, और आगे जाके वरांडा रहेगा ड्राइंग रूम के जस्ट आगे। ठीक है, तो ये अपना जो मैंने आपको दोस्तों बताया है ये है पूरा 20 बाई 50 का प्लॉट एरिया, जो प्लिंथ लेवल पर वर्क चल रहा है, और कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी मैंने आपको बता दिया है। ये लगभग लगभग मोस्टली वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया है, थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन ये पूरा लगभग लगभग वास्तु के हिसाब से ही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।